हम सभी जानते हैं कि हम जब इस संसार में आए थे तो इस भौतिक बात का कोई वस्त्र, इस दुनिया का कोई वस्त्र हमने नहीं पहना था। प्रकृति ने अपने आवरण का वस्त्र हमको पहनाया था और जब इस संसार से जाएंगे तो पुनः उस प्रकृति के आवरण में मिल जाएंगे और वो पुनः हमें खुद में समेट लेगी। ये बातें समझते हुए भी हम सभी मनुष्यों को भौतिक चकाचौंध ने अंधा बना दिया है। कागज के चंद टुकड़े, दो गज जमीन की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। परिवारों में माँ बाप बहन भाई सबकी जगह कागज के चंद टुकड़ों ने ले ली है। आज तराजू में एक तरफ परिवार को तोलें और उन टुकड़ों को तोलें तो टुकड़ों का वजन ज़्यादा निकलता है। ये सब इस दुनिया में हो रहा है और ये मानवता के लिए घातक है। हमारे बदलते रिश्तों का जो हाल हुआ है, जो हश्र हुआ है, उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि खून क्यों सफेद हो गया, कि खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार दर गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों में, चंद कागज के टुकड़ों में आज भाई भाई से लड़ रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले सुना था कि एक परिवार के कुछ लोगों ने अपने ही परिवार के दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब कहता हूं कि खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। हम अपने सारे संस्कार भूल गए कि खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतुलज सहम उठी व्यथित सी विस्तता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। और भाई भाई से तो झगड़ रहा है लेकिन वो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। परिवार में बोलचाल बंद है और फेसबुक पे 5000 दोस्त बना करके बैठा है। आज ऐसी स्थिति आ गई है। तब कहता हूं कि अपनी ही छाया से बैर, अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं बैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। धन्यवाद।